अस्सलामु अलैकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है दाल चावल। आज हम दाल चावल बनाएंगे, जिसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए एक टमाटर, 8 से 10 हरी मिर्च और एक लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून। टमाटर और हरी मिर्च को हम रफली चॉप कर लेंगे। मिर्च को मैंने एक मिर्च को 2 पीस में कर लिया। उसके बाद हम लेंगे 1.5 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1.5 टेबल स्पून नमक, जो कि आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट दे सकते हैं, और 1/2 टेबल स्पून मैंने लेंगे इसमें हल्दी पाउडर। अब हम दाल ले लेंगे, जो मैंने एक कप मूंग की दाल ली है और एक कप मसूर की दाल ली है। इसको मैंने अच्छे तरीके से वॉश करके 15 मिनट के लिए भिगो दिया था। अब हम कुकर में इसको डालेंगे और इसमें डालकर और इसमें हम 4 पानी ऐड करेंगे और इसको पकने के लिए रखेंगे। 3 सीटी आने पर हम इसको बंद कर देंगे और इसको साइड इसको निकाल कर चावल है ये। अब हम कुकर में 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे। गरम होने पर हम इसमें थोड़ा सा जीरा डालेंगे और 1 टेबल स्पून नमक ऐड करेंगे। अब ये गरम हो चुका है तो हम इसमें पानी डालेंगे और उसके बाद हमारे चावल इसमें डाल देंगे। 3 कप चावल थे तो 6 कप हम इसमें पानी डालेंगे। अब हमारा ये चावल का पानी गर्म हो चुका है, ये उबलने लगा है। अब हम इसका ढक्कन लगा देंगे और 3 सीटी आने तक इसको पकाएंगे। 3 सीटी आ चुकी है तो हमने गैस बंद कर दिया और अब हम चावल और दाल को सर्व करेंगे। और ये देखिए कितने अच्छी कलर आया है हमारी दाल का और चावल भी हमारे बहुत अच्छे बने हैं और ये टेस्ट में भी बहुत अच्छे हैं। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आने पर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।